नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। आज की सबसे पहली खबर, एक्शन मोड में सीएम नीतीश कुमार, बिहार में 85 पुलिसकर्मी बर्खास्त, 644 के खिलाफ हुई कड़ी कार्रवाई। जी हां, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार एक्शन मोड में दिख रही है। नई सरकार ने पिछले 11 महीने में की गई कार्रवाई का ब्यौरा सार्वजनिक कर अपनी मंशा का संकेत दे दिया है। ब्यौरा के अनुसार इस साल 85 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि 644 के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई बालू, दारू और जमीन की हेराफेरी के मामले में की गई है। राज्य में ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्ती, 3 दिन के अभियान में वसूले 2 करोड़ रुपये, 367 वाहन जब्त। जी हां, बिहार में कानून व्यवस्था पर सख्ती के बीच अब परिवहन विभाग की ओर से शुरू ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ अभियान का लाभ दिखने को मिल रहा है। न केवल ऐसी गाड़ियों पर नकेले कसी जा रही है, बल्कि उनसे जुर्माना के रूप में करोड़ों की वसूली भी हो रही है। केवल 3 दिनों के अभियान में ही विभाग को 2 करोड़ से अधिक की आमदनी जुर्माने के रूप में हुई। बुधवार को भी परिवहन विभाग की ओर से राज्य भर में ओवरलोडिंग ट्रक, अन्य भारी वाहन पर कार्रवाई के लिए विशेष सघन जांच अभियान चलाया गया। सभी जिलों में 3 दिनों में 514 व्यावसायिक वाहनों को ओवरलोडिंग सहित अन्य नियमों के उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया। विशेष जांच अभियान में ओवरलोडिंग व्यावसायिक वाहनों पर 3 दिनों में 2,05,00,000 का जुर्माना लगाया गया है। पटना से चलने वाली राजधानी समेत 6 ट्रेनों का समय बदला, जाने नई टाइमिंग। जी हां, ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने के बाद गुरुवार से संपूर्ण क्रांति के समय में बदलाव किया गया है। यह ट्रेन अब राजेंद्र नगर से शाम 7:25 में खुलेगी। वहीं शुक्रवार से राजधानी सहित 6 अन्य ट्रेनों के खुलने और पहुंचने के समय में बदलाव किया जाएगा। रेलवे ने सलाह दी है कि परेशानी से बचने के लिए यात्री वेबसाइट से समय का पता कर घर से निकले। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों को अब लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय की बचत होगी। राजेंद्र नगर से पहले यह ट्रेन जहां शाम 5:40 में खुलती थी, वहीं अब यह ट्रेन शाम 7:25 खुलेगी। दूसरी ओर शुक्रवार से खुलने वाले राजधानी एक्सप्रेस के समय में भी 10 मिनट का बदलाव किया गया है। राजधानी एक्सप्रेस राजेंद्र नगर से शाम 7:10 में और पटना से शाम 7:30 खुलेगी। वहीं अगली श्रमजीवी एक्सप्रेस दिल्ली पहुंचने में आधा घंटा कम समय लेगी। पटना में इसके समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी तरह पटना हावड़ा जनशताब्दी पटना लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस के समय में भी कुछ बदलाव किया गया है। इसके साथ ही दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन, मुजफ्फरपुर आनंद विहार स्पेशल ट्रेन और फरक्का स्पेशल ट्रेन के समय में भी आंशिक बदलाव किया गया है। CPRO राजेश कुमार ने बताया कि ट्रेन पकड़ने से पहले यात्री रेलवे की वेबसाइट पर समय का पता कर लेंगे, इससे वे किसी भी तरह की परेशानी से बच जाएंगे। सरकार के डीजल अनुदान बंद करने से किसानों की मुसीबतें बढ़ी, कृषि विभाग दे रहा है ये तर्क। जी हां, डीजल की कीमत में वृद्धि से पहले से ही बेहाल किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। बिहार में अब राज्य सरकार ने उनको डीजल अनुदान देना भी बंद कर दिया है। खरीफ में किसानों को डीजल अनुदान नहीं मिल रहा है, रबी में तो ऐसे ही कोई योजना नहीं है। डीजल की कीमत बढ़ने के साथ राज्य सरकार ने किसानों को मिलने वाले अनुदान की राशि भी बढ़ा दी है। सरकार किसानों को 3 सिंचाई के लिए प्रति लीटर 60 रुपए की दर से अनुदान देते थे, लेकिन लगभग 10 वर्ष हर साल चल रही यह योजना इस वर्ष बंद हो गई है। हालांकि लाभुकों की संख्या देखने से लगता है कि सरकार ने गत वर्ष की इस योजना को बंद करने से मन बना लिया था। गत वर्ष अनुदान के लिए 11,64,000 किसानों ने आवेदन किया था। सरकार का मानना है कि पिछले वर्ष खरीफ में हर नक्षत्र में वर्षा हुई थी, लिहाजा इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन रबी में योजना नहीं चलाने का तर्क न तो सरकार दे पा रही है और न ही कृषि अधिकारी।
बिहार में सावधान हो जाए भू माफिया, नीतीश सरकार जुटा रही है जमीनों का ब्यौरा, कब्जा वालों को हटाया जाएगा। जी हां, बिहार के भू माफिया अब सावधान हो जाए, क्योंकि राज्य में जितनी भी सरकारें, नीतीश सरकार उनका ब्यौरा जुटा रही है। बिहार के हर एक जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है, जिन लोगों ने सरकार की जमीनों पर कब्जा जमाया है उन्हें अब हटाने की तैयारी की जा रही है। यानी अब पूरे राज्य में विशेष तौर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की तैयारी चल रही है। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सरकारी विभागों से जमीन का ब्यौरा मांगा है। 5 दिनों के लिए बंद रहेगा कोइलवर पुल, आने जाने वाले लोगों को होगी परेशानी। जी हां, भोजपुर जिले में बने नए कोइलवर पुल पर 5 दिसंबर से 6 दिसंबर तक आवागमन बंद रहेगा। बताया जा रहा है कि गृह विभाग के आदेश पर निर्माण के बाद पुल का उद्घाटन किए बगैर ही वाहनों का परिचालन शुरू करवा दिया गया था, लेकिन अब इसका उद्घाटन इसी महीने यानी 10 दिसंबर को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरा सांसद आरके सिंह के हाथों होगा। वहीं नए पुल के एक हिस्से में बाकी बचे कार्यों को पूरा करने के लिए इसे फिलहाल 5 दिनों के लिए बंद किया जा रहा है। उद्घाटन के बाद कोइलवर में सोन नदी पर बनाया गया नया पुल उद्घाटन के बाद फिर से परिचालन के लिए शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को लगेगा सबसे पहले वैक्सीन, जिलों में तैयार हो रहा है कर्मियों का डाटाबेस। जी हां, बिहार में सबसे पहले फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को कोरोना का टीका यानी वैक्सीन लगेगा। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर सभी जिलों में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर सबसे आगे की पंक्ति में कार्य कर रहे कर्मियों को टीका लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने जिले में कोरोना वायरस का डाटाबेस तैयार करें, ताकि यह आकलन किया जा सके कि पहले चरण में कितने वैक्सीन की जरूरत होगी। केंद्र सरकार से मिलने वाली कोरोना वैक्सीन की पहली खेप का इस्तेमाल के लिए इनके लिए किया जाएगा। बिहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध होगा कोरोना का टीका, तैयारी में जुटा विभाग। जी हां, बिहार में कोरोना वैक्सीन को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर तैयारी में जुट गया है। जिले में वैक्सीन एकत्र कर टीकाकरण कर्मियों द्वारा कोल्ड वेन को मेंटेन करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने के पूर्व स्वास्थ्य विभाग ने उनके वितरण की व्यवस्था को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के किसान कर सकते हैं आवेदन, मिलेगा कृषि योजना का लाभ। जी हां, प्रदेश सरकार ने बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत किसानों को लाभ देने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी को पत्र भेजा है। पत्र में आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं, खासकर किसानों को आवेदन कराने की आवश्यक बताया है। किसानों को 17 दिसंबर तक आवेदन करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। जी हां, बात कर रहे भागलपुर की, तो भागलपुर में गोपालपुर खरीक व नवगछिया के किसान कर सकते हैं आवेदन। जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बताया कि जिले में 3 प्रखंडों गोपालपुर खरीक और नवगछिया में 16 पंचायत को बाढ़ ग्रस्त घोषित किया गया है, जहां यहां के किसान अपने फसल क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि सिंचित भूमि पर 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर जबकि असिंचित भूमि पर 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा। शाश्वत फसल के लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगी। किसानों को ऑनलाइन कृषि विभाग बिहार सरकार के वेबसाइट www.krisi.bihar.nic.in पर आवेदन करने के लिए 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का उपयोग करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। LPG सिलेंडर 50 रुपये हुआ महंगा, पटना में देने होंगे अब 742 रुपये। आम आदमी बढ़ती महंगाई से परेशान है, इसी बीच आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है, घरेलू गैस के दाम में भी बढ़ोतरी हुई। हालांकि कई जगहों पर रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। बिहार के राजधानी पटना में LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। पटना में LPG सिलेंडर की कीमत अब 742 रुपये 50 पैसे हो गई है। इसकी कीमत पहले 692 रुपये 50 पैसे थी।
बड़ी खबर, बिहार में अगले माह पीएचडी में इंजीनियर समेत 784 पदों पर होगी नियुक्ति। जी हां, पीएचडी में जनवरी 2021 तक कुल 784 पदों पर संविदा पर नियुक्ति होगी। इनमें जूनियर इंजीनियर के 500 और असिस्टेंट इंजीनियर के 88 पद शामिल है। इसके लिए पैनल तैयार कर लिया गया है और 500 जूनियर इंजीनियरों की मेरिट लिस्ट जल्द निकाली जाएगी। वहीं 88 असिस्टेंट इंजीनियरों का पैनल तैयार करने के लिए स्क्रूटनी शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर विभाग ने केमिस्ट के 33, असिस्टेंट के 30 और लैब असिस्टेंट के 125 कुल 196 पदों पर स्थायी नियुक्ति होनी है, लेकिन विभाग ने इसके पूर्व सामान्य प्रशासन से इन 196 पदों पर संविदा के रूप में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का प्रस्ताव भेजा है। सबसे पहली खबर, बिहार में 5252 पदों पर नौकरी के लिए पंजाब में रजिस्टर वेबसाइट ने निकाल दिया फर्जी विज्ञापन, लाखों की कर ली ठगी। हां, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत बिहार ग्रामीण विकास प्राधिकरण में 5252 पदों पर नियुक्ति के लिए फर्जी विज्ञापन निकाल कर लाखों की ठगी की जा रही है। सहायक अधिकारी के 177, लेखपाल के 350, अभिलेख लिपिक के 1767, पंचायत सचिव के 1258 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1700 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इन सभी पदों के लिए 5200 से 20200 वेतन मान और 2800 से 1800 ग्रेड पी की जानकारी विज्ञापन में दी गई है। इन पदों पर 21 नवंबर से 19 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। सामान्य वर्ग के आवेदकों से ₹450 UPI या QR कोड के जरिए लिए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार अब तक हजारों लोग इस धोखाधड़ी के शिकार होकर रुपये गंवा चुके हैं। साइबर अपराधियों ने प्राधिकरण के नाम से www.brdbihar.org.in से एक फर्जी वेबसाइट भी बनाई है। इस पर सरकारी विभाग की द्वारा सारे आवश्यक लिंक भी दिए गए, मगर केवल ऑनलाइन आवेदन करने वाले लिंक को छोड़कर अन्य किसी भी लिंक पर कोई जानकारी नहीं है। इस वेबसाइट से जुड़े अन्य पेज भी नहीं खोल रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इसके झांसे में ना आए। किसानों का 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान, अब पूरी दिल्ली को घेरेंगे। जी हां, कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का कल 9वां दिन था। सरकार के साथ को होने वाली बैठक से पहले किसानों ने कल बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने 8 दिसंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि अब दिल्ली की बची हुई सड़कों को भी ब्लॉक करेंगे। किसानों की मीटिंग के बाद उनके नेता हरविंदर सिंह लखवाल ने यह जानकारी दी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई है। पिटिशनर ने कहा है कि किसानों को दिल्ली की सीमाओं से तुरंत हटाने के निर्देश दिए जाए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। पिटिशनर ने वकील ओम प्रकाश परिहर ने यह जानकारी दी है। हालांकि इस अर्जी पर सुनवाई का दिन तय नहीं हुआ है। 7 दिसंबर को सुशील मोदी लेंगे सर्टिफिकेट, राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुशील मोदी एकमात्र उम्मीदवार, निर्दलीय प्रत्याशी श्याम नंदन की ओर से नहीं था कोई प्रस्तावक, नामांकन रद्द। जी हां, राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुशील कुमार मोदी एकमात्र उम्मीदवार बन गए हैं। उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार बने श्याम नंदन प्रसाद का नामांकन रद्द हो गया है। प्रस्तावक का नाम नहीं होने की वजह से स्क्रूटनी में श्याम नंदन प्रसाद की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई है। भाजपा के वरिष्ठ और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी 7 दिसंबर को राज्यसभा सांसद के तौर पर सर्टिफिकेट लेंगे। बिहार में 20 साल में 93,000 से अधिक लोगों की हुई किडनैपिंग, 20% तक बढ़ गए अपहरण के मामले। जी हां, बिहार में अपहरण की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार जहां ऐसी घटनाओं में कमी के दावे ठोक रही है, वहीं पुलिस के आंकड़े ही इसके पोल खोलते नजर आ रहे हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के माने तो 2020 में अपहरण में 19.8% का अपा हुआ है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामले में 125% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अगर पुलिस का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 20 साल में 93,138 लोगों का अपहरण हुआ है। इनमें सबसे अधिक घटनाएं महिलाओं से जुड़ी है। पिछले 6 सालों में फिरौती के लिए 376 लोगों का अपहरण किया गया है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार के बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।